हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे तुला लग्न के कुंडली के विषय में। कल हमने बहुत सारी बातों पे डिस्कस किया था, तो आज भी हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले प्लीज लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclassesss है, एंड विजिट फॉलो मी ऑन ट्विटर। माई ट्विटर हैंडल इज हच एस्ट्रो क्लासेस, है ना। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज, एंड विजिट माई ब्लॉग एंड माई वेबसाइट। तो चलिए, हमारी तुला लग्न की कुंडली के विषय में आगे की चर्चा करते हैं। मित्रों, कल हम बात कर रहे थे तुला लग्न की कुंडली में अगर 12वें घर में सूर्य बुध और शनि बैठे हो, है ना, या शनि की दृष्टि भी हो सूर्य और बुध के ऊपर, तो उस जातक का पिता प्रबल भाग्यवान होता है। और सूर्य बुध और मंगल तथा शनि, अगर ये चारों ग्रह कहीं पर भी एक साथ बैठे हो, है ना, कारण इसमें ये होता है कि सूर्य इनकम भाव का, है ना, और मंगल जो होता है धन भाव का मालिक और सप्तम भाव का, धन भाव का मालिक यहाँ गिना जाता है, ठीक है, धन भाव का मालिक होता है। और बुध जो होता है इसमें भाग्येश और व्ययेश होता है, और शनि जो होता है इसमें चतुर्थ और पंचम भाव का मालिक होता है। समझो, सारे योग कारक ग्रह इसमें जुड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में प्रबल धनाढ्य योग बने, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ के, अब मैं इसीलिए अलग अलग करके आप लोगों को बतलाता हूँ, ठीक है। मित्रों, अगर इस तुला लग्न की कुंडली में सूर्य, है ना, बुध और शनि, है ना, ये पंचम भाव और चतुर्थ भाव के मालिक शनि, इन तीनों ग्रहों के साथ में यदि चंद्रमा भी जुड़ जाए, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले सूत्र में बताया, ठीक है, तो उसमें अगर इंक्लूडिंग चंद्रमा को भी देखें हम साथ में, अगर कहीं भी हों एक साथ में, तो मैं आपको 100% गारंटी देके बताऊं कि ऐसा व्यक्ति अगर मिट्टी छुए तो सोना हो जाए, एकदम प्रबल भाग्यवान होता है, ठीक है। और निश्चित रूप से उसके जीवन में उसका कोई भी कार्य नहीं रुकता है, ठीक है। मित्रों, अगर इस लग्न कुंडली में गुरु जो कि तीसरे और छठे घर का मालिक होता है, अगर आठवें घर में बैठा हो, ठीक है, और शनि इस कुंडली में जो कि चतुर्थेश और पंचमेश है, ये अगर नाइन्थ होम में बैठा हो, तथा मंगल और बुध ये दोनों अगर 11वें घर में हो, ठीक है, मंगल और बुध, भाग्येश और धनेश, ये दोनों अगर एक साथ इनकम भाव में बैठे हों, तो ऐसा जातक अपने जीवन में धन की उसकी कभी कमी नहीं होती, और सरकारी क्षेत्र में बहुत बड़ा अधिकारी बनता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लग्न में अगर शुक्र बैठा हो यहाँ पे, तो ऐसा स्वराशिष्ठ शुक्र, उसकी दशा जो होती है ना, वो मारक बन जाती है। अमेजिंग बात, इसको आप जरूर लिख लेना कि अगर यहाँ पे लग्न में शुक्र बैठा हो, तो ऐसे शुक्र की दशा मारक बन जाती है अधिकांशतः, मतलब 100% नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखना, अधिकांशतः स्थितियों में ऐसा शुक्र मारक उसकी दशा बन जाती है। और अगर लग्न में शनि हो तथा दशम भाव में चंद्रमा हो, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे ऊंच का हो जाता है, ठीक है, और अकेला राजयोग कारक है, चतुर्थ और पंचम यानी केंद्र त्रिकोण का अपना स्वयं लिए हुए है, और उच्च का अगर हो जाए लग्न में, और टेंथ होम का मालिक चंद्रमा टेंथ होम में अपने घर में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में इस चंद्रमा की दशा जीवन का स्वर्णिम काल बन जाता है उस व्यक्ति के। और वो व्यक्ति जो होता है सरकारी सत्ता के क्षेत्र में बहुत बड़े पद पर, उच्च पदों पर पदस्थ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, उसके जीवन की दशा एवं दिशा ही बदल जाती है चंद्रमा की दशा में, ठीक है। मित्रों, एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आने वाले हमारे वीडियोज में, है ना,
हम दशा अंतरदशा के विषय में भी चर्चा करेंगे, जैसे सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा कैसी रहेगी तुला लग्न की कुंडली वाले जातकों के लिए, इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।